जी नमस्कार, मैं हूं शिव शंकर यादव। आज एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुआ हूं। दान देने से क्या फल मिलता है, इसका भाग दो और अंतिम भाग। जी सुगरी बोलती है कि मैं पिछले जन्म में जो राजा का लड़का पैदा हुआ है और मैं दोनों पति पत्नी थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दाना घर में नहीं था, हम लोग 7 दिनों से भूखे थे और दोनों जन विचार किए कि अन्न का एक दाना भी नहीं है घर में, चलो किसी खेत में हम दाना चुनते हैं और उसको इकट्ठा करके हम लोग उसको पीस करके आटा बनाए। आटा बनाने के बाद रोटियां तैयार की। जब रोटियां तैयार करके खाने जैसे बैठते हैं, वैसे दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। हमने देखा कि एक महात्मा थे, बोले कि मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, काफ़ी भूख लगी है। तो मेरे पति जो थे उन्होंने अपना खाना उठा करके पंडित जी को दे दिया, महात्मा को दे दिए। महात्मा खाए और उनसे पूछा गया कि क्या आपकी भूख मिट गई? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा और चाहिए था। तो पत्नी की तरफ हमने इशारा किया और बोला कि अपना हिस्से का भोजन इनको खिला दो। पत्नी बोली कि मैं नहीं खिलाती, आप खिलाना है तो खिला दो, आप बड़े दानी हुए हैं। तो हमने नहीं खिलाया और आज हम शरीर को जब त्याग दिए तो सुगरी के घर में पैदा हुई और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो राजा के घर में पैदा हुए। दान देने से यही फल मिलता है। उसके बाद वो महात्मा फिर चलते हैं, चलते चलते वापस आते हैं। एक किसान वो इंतज़ार करने लगता है कि क्या गुरुजी ने बताया? हाँ बताया है, आपके घर में एक जवान लड़की है, उसकी शादी कर दो, आपके घर में आग लगना बंद हो जाएगी। तो उस किसान ने कहा कि किसको ढूंढने जाऊं, आप ही मेरे लड़के से शादी कर लो। शादी करके आगे चलते हैं, चलते चलते घोड़ा इंतज़ार कर रहा था और मिलने लगा। बोला कि महाराज मेरी सवाल का जवाब गुरुजी ने बताया? बोले कि हाँ, घुड़सवार जब आपके पीठ पर कूद के बैठ लेगा तो आपकी अगाड़ी और पछाड़ी दोनों चलेगी। तो उन्होंने कहा कि किसको ढूंढूं, आप ही बैठ लो। तो घोड़े पे बैठे और उनकी अगाड़ी पछाड़ी घोड़े के खुल गई। फिर उधर दुल्हन भी पा गए, इधर घोड़ा भी पा गए। आगे चलते गए, कुछ दूर जाने के बाद घोड़े से तो वो जो है नाग देवता है ना, सांप, वो इंतज़ार कर रहा था। सांप जब इंतज़ार कर रहा था, उसने बोला कि महाराज ये बताइए, मेरे प्रश्नों का जवाब गुरुजी ने दिया? बोले कि हाँ दिया है, आपके घर में धन है, उसको खुदवा लीजिए लोनिया से और आप अपने घर में रहने लगेंगे। तो सांप ने कहा महाराज किसको मैं ढूंढूं, आप ही खोद लीजिए। तो वो पंडित जी ने धन खुदवाया लुनिया बुला करके और उसको ले करके अपने घर को चल पड़े। उधर धन भी पा गए, घोड़ा भी पा गए चलने के लिए, उधर उनकी शादी हो गई, दुल्हन भी पा गए। अपने गांव में आ करके खूब बढ़िया से अपना राजपाट करने लगे, मौज मस्ती से रहने लगे। तो दोस्तों, दान देने से यही फल मिलता है। कोई त्रुटि हो क्षमा करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।